अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू सार कॉन्सेप्ट ऑलवेज ट्राइज टू इंश्योर दैट इट्स स्टूडेंट्स गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन पोलिटिकल साइंस इन ऑल द टॉपिक्स ऑफ पोलिटिकल साइंस सार कॉन्सेप्ट के तहत हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम पोलिटिकल साइंस में पोलिटिकल साइंस के सभी टॉपिक्स में अपने स्टूडेंट्स को कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करें हम अपने स्टूडेंट को वो कंसेपचुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं जिस कंसेप्चुअल क्लैरिटी को यूज़ करके हमारे स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में कंडक्ट किए जाने वाले किसी भी एग्जाम को फिर चाहे वो एग्जाम सब्जेक्टिव नेचर का हो या ऑब्जेक्टिव नेचर का हो फिर चाहे वो एग्जाम इंटरव्यू बेस्ड हो या रिटर्न हो हमारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की कैपेबिलिटी को कैपेसिटी को अक्वायर कर सके ये हमारा अल्टीमेट गोल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है और ये हमारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स का भी अल्टीमेट गोल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है और इसी गोल के प्रति इसी अल्टीमेट गोल इसी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के प्रति समर्पित है पोलिटिकल साइंस का हमारा ये नया कोर्स एडवांस्ड पोलिटिकल साइंस एंड ऑनलाइन कोर्स फॉर यूजीसी ने पोलिटिकल साइंस ऑप्शनल इस कोर्स में हम पोलिटिकल साइंस के सभी टेंट यूनिट्स को डिटेल्ड एग्जॉस्टिव और कंसेप्चुअली क्लियर वे में कवर कर रहे हैं दिस कोर्स इंक्लूड डिटेल्ड बेस्ट क्वालिटी कंसेप्चुअली क्लियर वीडियो लेक्चर्स ऑन पॉलिटिकल थियोरी वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स फॉरन पॉलिसी पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेस इंडियन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। इन सभी टेन यूनिट्स से जुड़े लगभग फाइव हंड्रेड फिफ्टी प्लस प्री रिकॉर्डेड रेडी टू वॉच बेस्ट क्वालिटी आपको इस कोर्स में मिलेंगे इन सभी वीडियो लेक्चर्स की जो टोटल ड्यूरेशन है वो थ्री आवर्स को भी क्रॉस कर है मतलब इस कोर्स में आपको 340 प्लस आवर्स की वीडियो कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है ये सभी वीडियो लेक्चर्स आपके पास 547 डेज तक अवेलेबल होंगे मतलब मतलब इस कोर्स में आपको 18 मंथ्स की 18 मंथ्स की एक लॉन्ग कोर्स वैलिडिटी पीरियड मिलती है यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस कोर्स में हमने वीडियोस के ऊपर वॉच टाइम से रिलेटेड किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज नहीं किया है मतलब अपने एटीन मंथ्स के कोर्स वैलिडिटी पीरियड के दौरान आप एक वीडियो को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं अब मान लीजिए कि आपने इस कोर्स में मौजूद सभी वीडियोस को देख लिया सभी वीडियो लेक्चर्स को आपने सुन लिया वीडियो लेक्चर्स को देखकर आपने सभी कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर सभी टॉपिक्स के ऊपर आपने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली तो अब सवाल है कि क्या लर्निंग का जो प्रोसेस है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर कमांड हासिल करने का कंसेप्चुअल क्लैरिटी को अटेन करने का जो प्रोसेस है क्या ये प्रोसेस यहीं पर ख़त्म हो जाता है अंडरस्टैंडिंग को अचीव करके क्या आप पॉलिटिकल साइंस में कंसेप्चुअल क्लैरिटी को अटेन कर सकते हैं आंसर है नहीं अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप अंडरस्टैंडिंग पहला स्टेज है अंडरस्टैंडिंग के बाद जो दूसरा स्टेज आता है उसे कहते हैं रिटेंशन इस स्टेज में इस सेकंड स्टेज में हमारे लिए जो समस्या खड़ी है ये समस्या है कि हमने जिन चीज़ों को समझा है जिन चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड किया है हम उन चीज़ों को कैसे रिटेन करके रख सकते हैं कैसे उन्हें हम याद करके रख सकते हैं देखिए आपको समझना है कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं जब आप किसी सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो यहां पर अंडरस्टैंडिंग सफिशियंट नहीं है सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना टॉपिक्स को समझना यह सफिशियंट नहीं है अंडरस्टैंडिंग के साथ रिटेंशन का होना बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग विदाउट रिटेंशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इट इज मीनिंगलेस इट इज नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल चीज़ों को समझना ज़रूरी है लेकिन साथ ही साथ जिन चीज़ों को आपने समझा है जिन कॉन्सेप्ट जिन टॉपिक्स को आपने समझा है उन कॉन्सेप्ट को रिटेन करके रखना ये भी बहुत ज़रूरी है ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और आप चीज़ों को रिटेन कैसे कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को रिटेन कैसे कर सकते हैं रिविजन के थ्रू आपने जो समझा है उसे आपको बार बार रिवाइज करना होगा जब आप उन चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करेंगे तभी जाकर आप उन चीज़ों को उन कॉन्सेप्ट्स को उन फैक्ट्स को उन डिटेल्स को रिटेन कर पाएंगे अब सवाल यहां पर उठता है कि क्या आप रिविजन वीडियोज के थ्रू कर सकते हैं क्या वीडियोज के थ्रू रिविजन करना इफेक्टिव होगा देखिए जहां तक बात रिविजन की है आप एक टॉपिक पर एक वीडियो को दो बार या तीन बार मैक्सिमम देख सकते हैं लेकिन रिविजन आपको बार बार करना होता है इसलिए रिविजन के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है वो है नोट्स अगर आपके पास टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है लेकिन उस वीडियो के नोट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तब आपके लिए रिविज़न का प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाएगा और अगर आप रिविजन नहीं करेंगे तो फिर आप चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाएगी आपके इसी समस्या के समाधान के रूप में हम आपको इन सभी वीडियो लेक्चर्स के साथ कोर्स में इंक्लूडेड जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उन सभी वीडियो लेक्चर्स के साथ उन सभी वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और ये जो पीडीएफ नोट्स हैं ये कोई नॉर्मल पीडीएफ नोट्स नहीं है ये पीडीएफ नोट्स डिटेल्ड हैं एग्जॉस्टिव हैं और साथ ही साथ ये पी नोट्स डाउनलोडेबल है प्रिंटेबल है आपको इस कोर्स में इन सभी टेन यूनिट्स के 4,500 प्लस पेजेस के डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ये पीडीएफ नोट्स आपके पास परमानेंटली रहेंगे आपकी कोर्स वैलिडिटी के खत्म हो जाने के बाद भी ये पीडीएफ नोट्स आपके पास रहेंगे आप चाहे तो इन पीडीएफ नोट्स को प्रिंट आउट करा के इनके हार्ड कॉपी को आप पॉलिटिकल साइंस के एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की तरह भी यूज कर सकते हैं और फिर इन पीडीएफ नोट्स को आप जब चाहे तब अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए रेफर कर सकते हैं तो इस तरह से पॉलिटिकल साइंस का हमारा ये कोर्स पॉलिटिकल साइंस का हमारा ये एडवांस्ड कोर्स ये कोर्स पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ आपके कंसेपचुअल अंडरस्टैंडिंग को ही इंश्योर नहीं करता बल्कि ये कोर्स इस बात को भी इंश्योर करता है कि आपने जो कुछ भी समझा है उन चीज़ों को आप रिटेन कर सके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इस कोर्स के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट्स के रिटेंशन को भी इंश्योर कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज के रिटेंशन को भी इंश्योर कर सकते हैं आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपने जो कुछ भी समझा है वो आपको याद रहे लंबे समय तक याद रहे और फिर जब जरूरत पड़े जब जरूरत पड़े तब आप पॉलिटिकल साइंस के इस नॉलेज को रिप्रोड्यूस करें किसी भी एग्जाम में इंटरव्यू में कहीं भी आपको जरूरत पड़े तो आप, आपने जो नॉलेज रिटेन किया है उस नॉलेज को आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन के बाद एक और स्टेप आता है और जब तक आप इस स्टेप को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप पॉलिटिकल साइंस में कंसेप्चुअल क्लैरिटी को पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में कमांड को हासिल नहीं कर पाएंगे आपको समझना है कि अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन के अलावा भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक और समस्या आपके लिए उत्पन्न हो सकती है यह प्रॉब्लम है सब्जेक्ट रिलेटेड या टॉपिक रिलेटेड डाउट्स और कंफ्यूजन का अराइज होना जब तक आपके डाउट्स प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं होते आपके कंफ्यूजन क्लियर नहीं होते तब तक आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी को अटेन नहीं कर सकते तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी को अटेन करने के लिए डाउट्स का प्रॉपरली रिजॉल्व होना कंफ्यूजन का प्रॉपरली क्लियर किया जाना यह बहुत जरूरी है और आपके इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपके इसी नीड को फुलफिल करने के लिए इस कोर्स में आपको मिलता है मेरा कॉन्टिन्यूस गाइडेंस आई एम कमिटेड टू प्रोवाइडिंग यू कॉन्टिन्यूअस गाइडेंस इन पोलिटिकल साइंस थ्रू आउट द कोर्स ड्यूरेशन दैट मीन्स कि वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स के अलावा इस कोर्स में स्टूडेंट्स को दो और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है पहला ऑन डिमांड डाउट रेजोल्यूशन और दूसरा ऑन डिमांड आंसर इवेलुएशन पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक स्टूडेंट की कोई भी डाउट हो उस स्टूडेंट को बस अपने डाउट को एक टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में हमारे लर्निंग ऐप में मौजूद चैट सेक्शन के थ्रू मुझे सेंड करना होता है इस तरह से एक स्टूडेंट के डाउट को रिसीव करने के बाद मैं वन टू वन बेसिस पर इंडिविजुअल बेसिस पर उस स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करता हूँ और टेक्स्ट चैट के माध्यम से ही उस स्टूडेंट के डाउट को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपको समझना है कि स्टूडेंट्स के डाउट रेजोल्यूशन का ये जो काम है ये पूरी तरह से मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा किया जाता है मेरे बिहाफ पर आपके डाउट्स को, को कोई और रिजॉल्व नहीं करता आपको जब भी हमारे लर्निंग ऐप में टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कोई रिप्लाई मिलेगा तो वो रिप्लाई मेरा ही होगा डाउट रेजोल्यूशन के अलावा मैं आपके लॉन्ग एसेट टाइप आंसर्स को भी इवेल्यूएट करता हूँ खासकर वे स्टूडेंट्स वे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिन्हें इस एग्ज़ाम के मेंस के स्टेज में लॉन्ग एसे टाइप आंसर्स लिखना होता है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में लॉन्ग एसे टाइप आंसर लिखना होता है ये स्टूडेंट्स अपने लॉन्ग आंसर्स को पी या इमेज के फॉर्मेट में मुझे सेंड कर सकते हैं मैं इन आंसर्स को इवेलुएट करता हूँ इवैल्यूएटेड आंसर को स्टूडेंट को सेंड करता हूँ साथ ही साथ मैं स्टूडेंट को फीडबैक भी देता हूँ और मैं उस स्टूडेंट को ये भी बताता हूँ कि उस स्टूडेंट के आंसर में क्या कमियाँ हैं और वो स्टूडेंट अपने आंसर को और अधिक बेहतर कैसे बना सकता है अपने आंसर राइटिंग स्किल को वो स्टूडेंट और कैसे होन अप कर सकता है और कैसे बेटर कर सकता है So, these are all the facilities, all the benefits, and all the advantages that you get if you enroll in our Advanced Political Science online course for UGC NET, GRF, and UPSC CPSI are optional. In this course, enrollment or course related courses, you will contact me on WhatsApp. We will contact you on this number. Thank you so much for listening to me.